फतेहाबाद में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित दो लोगों को काबू किया है और इनसे शिकायतकर्ता से वसूली की गई 50,000 रुपए की राशि भी बरामद की है। पुलिस उपाधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्वेलर्स की दुकान करने वाले युवक के पास आरोपी महिला का आना जाना था। महिला ने युवक के साथ जान पहचान बढ़ाई और फिर उसके साथ संबंध बना लिए। आरोप है कि इसी बीच महिला ने युवक को पुलिस में शिकायत का डर दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे लाखों रुपए की मांग की। परेशान होकर युवक ने पुलिस को शिकायत दे दी, जिसके बाद योजना के तहत युवक ने आरोपी महिला और उसके साथी को 50,000 रुपए दिए। इसी बीच पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही काबू कर लिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये सुरेंद्र है जो ज्वेलर है, इसकी इसका एक ग्राहक है अनूप सिंह, और अनूप सिंह की एक फ्रेंड है सुनहर देवी, इसमें मनोहर देवी है। तो अनूप सिंह ने इसकी जो मित्रता है मनोहर देवी की सुरेंद्र से की, और कई दिनों के आने जाने से क्या हुआ कि इनकी कंसेंट से इन्होंने एक शारीरिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद में मनोहरी देवी ने इससे 20,00,000 रुपये की मांग की, अदरवाइज आपके खिलाफ 376 IPC का प्रचरण होगा। किससे की गई मांग है? सुरेंद्र सिंह से। तो उसके बाद में मनोहरी देवी का ये जो मामला सेटल करने के लिए 80,000 रुपये में इनका मामला सेटल हुआ, इसमें कल 50,000 रुपये अनूप खुद सुरेंद्र की दुकान पर पैसे लेने के लिए आया था, तो पुलिस पार्टी ने इसको पैसे के साथ ही काबू किया था।